अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बेस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, एग्जांपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले बढ़ते हैं हम कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? तो कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स, उनके केमिकली रिएक्ट होने की वजह से कंपाउंड हमारे पास बनता है। बढ़ते हम डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड अ कंपाउंड। इसमें याद रखने वाली हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर एक के बॉन्डिंग, के कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं और वो कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। दूसरी बात जो है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, आपस में फिजिकली कंबाइंड नहीं होते। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं या कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होने से कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट जो बात है वो है फिक्स रेशियो बाय मास। इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनकी बाय मास, बलहाज़े मास जो रेशियो है वो फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल। तो कंपाउंड की जो बेस्ट एग्जांपल है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो बलहाज़े मास बाय मास जो रेशियो होती है वो होती है 1:8। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। बॉन्ड होल्डिंग टुगेदर इन अ कंपाउंड कैन वेरी, सो टू कॉमन टाइप्स आर आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। कंपाउंड के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास वेरी होती रहती है। आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जांपल NaCl, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। हमारे पास आयनिक कंपाउंड की जो सबसे सिंपल तरीन एग्जाम्पल है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, एज अ टेबल साल्ट हम यूज भी करते हैं। उसका स्ट्रक्चर सामने बनाया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन फिजिकल स्टेट लाइक H2 एंड CH4। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टू बी लर्न। अब कंपाउंड के इस सारी फॉर्मेशन में जो हमें बातें याद रखने वाली हैं हमारे लिए, वो कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स के मिलने की वजह से वजूद में आता है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय सिंपल फिजिकल मीन्स बट कैन बी बाय केमिकली। एक कंपाउंड को हम सिंपली या फिजिकली किसी भी तरीके से कंपाउंड के कंस्टिट्यूंट्स को हम अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली मेथड से हम कंपाउंड के पार्ट्स को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो सबसे छोटा तरीन जर्रा होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट है जी, अ कंपाउंड इज मेड अप बाय केमिकल रिएक्शन। जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कंपाउंड होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है, ना कि किसी फिजिकल मीन से। यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, हमारी डेली लाइफ में कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम फ्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaF, ये जो हम टूथपेस्ट हमारे पास होती है उसमें ये यूज होता है, सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट है सक्रोज, जिसका फार्मूला है C12H22O11, ये जो है सक्रोज हमारे पास फूड्स में यूज होता है। नेक्स्ट है सोडियम लॉरायल सल्फेट, ये साबुन की तैयारी में यूज होता है, इन सोप फॉर्मेशन। नेक्स्ट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, एज अ पिगमेंट इन पेंट्स, पेंट्स की तैयारी में बतौर पिगमेंट हम यूज करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaOCl, इन ब्लीच, ये ब्लीच में यूज होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, फर्टिलाइजर, जितनी भी हमारे पास खादें हैं उनमें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। सबसे पहले देखते हैं कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड पे हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो कंपाउंड होता है वो किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से बलहाज़े मास, जो उनकी रेशियो होती है वो फिक्स होती है। लेकिन मिक्सचर में हम देखते हैं कि मिक्सचर में हमारे पास क्या है।
When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. तो मिक्सचर में जो उनकी फिक्स रेशो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, एक जो है पार्ट मिक्सचर का वो ज़्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है. पॉइंट्स टू बी लर्न, इसमें जो हमने बातें याद रखनी है वो कौन कौन सी है. फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकली कंबाइनिंग, इसमें केमिकली कोई कंडीशन नहीं है. कंपाउंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से नतीजे में बनता है, लेकिन जो मिक्सचर होता है इसमें केमिकल रिएक्शन की कोई शर्त नहीं है. विदाउट केमिकल रिएक्शन भी हम मिक्सचर को बना सकते हैं. नो फिक्स रेशियो बाई मैस, मैस के लिहाज से कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, एक पार्ट मिक्सचर का ज्यादा भी हो सकता है, दूसरा कम भी हो सकता है. नेक्स्ट है कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मीन्स, जो मिक्सचर होता है उसको हम किसी भी फिजिकल तरीके से अलहदा अलहदा कर सकते हैं, ना कि हम केमिकली. कंपाउंड को हम ओनली ऑन केमिकल वे से अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल वे से अलहदा कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, इसकी फॉर्मेशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कंपाउंड की फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शन अकर होता है. इसकी जो हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट एंड सैंड, नमक और रेत का जो मिलाप होता है या उसको हम इकट्ठा कर दें तो वो हमारे पास मिक्सचर हो जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, स्मोक एंड फॉग, इसको हम बोलते हैं स्मोग, ये भी मिक्सचर की एक एग्जांपल है. उसके बाद हमारे पास था टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. तो बढ़ते हैं जी हम, a mixture that have uniform composition throughout is called homogeneous mixture. ऐसा mixture जिसमें उसके constituents की, उसके अज्जा की जो composition है वो एक जैसी हो, वो क्या कहलाता है? Homogeneous mixture. For example, हमारे पास sea water है, brass है, air है, blood है, तो ये सारी की सारी example जो mention की हुई हैं, ये homogeneous mixture की example में हैं. इन सब में जो कंस्टिट्यूट्स हैं इनके, उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, यकसा है, वो चेंज नहीं होती. नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंस्टिट्यूट्स की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, कम या ज्यादा होती है, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, शुगर एंड सैंड है, सीमेंट एंड वाटर है, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल हैं. इसमें अज्जा की जो मकदार है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल्स हैं. अब वो मेथड्स जिनके ज़रिए हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूंट्स को अलहदा अलहदा कर सकते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है हैंड पिकिंग, बाई हैंड हम मिक्सचर के अज्जा को अलहदा अलहदा कर सकते हैं. नेक्स्ट थ्रेशिंग है, विनोइंग है, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, फनल, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये वो चंद मेथड हैं जिनके जरिए हम मिक्सचर के जो पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज, आज का लेक्चर हमारा था यहाँ तक.